क्या गया? मेरा बर्थडे। और कमर जो गया उसका क्या? ओरे माँ। तो रेखादास, क्या रिकवरी है आपकी? क्या हिस्ट्री हुई अभी आपने कोरोना टेस्ट के बाद? कोई व्लॉग ही नहीं बनाया। ओ चीटिंग बाज, डॉक्टर ने कहा है 1 महीना। सिर्फ 1 महीना रेस्ट। ये नीचे क्यों नहीं हो रहा? अरे जिंदगी में नहीं आऊं मैं इस हॉस्पिटल में। हेलो फ्रेंड्स, तो आज है 21 तारीख और मैंने लास्ट जो ब्लॉग बनाई थी 7 तारीख को मैं हॉस्पिटल गई थी। तो वहाँ पे थोड़ा सा मैंने वीडियो जो भी कोरोना का टेस्ट वगैरह था वो मैंने शूट किया था। तो 7 तारीख के बाद मैं आई थी, घर आई थी। बीच में 7 से 11 तारीख तक हॉस्पिटल में थी और 11 को घर आई थी दोपहर को। फिर मैं 12 को फिर से एडमिट हुई थी और 12 के बाद मैं 16 को रात के 12-1 बजे घर आई थी। तो 16 तारीख के बाद तबीयत मतलब अभी ठीक नहीं है पूरी तरीके से। तो बस मुझे वो ब्लॉग थोड़ा मतलब कंटिन्यू करना था, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं घर आ चुकी हूँ। तो आज काफ़ी दिन बाद मतलब नहाई, मतलब राज ने नहलाया और बैक में मेरा सर्जरी हुआ है, प्लेटें लगे हैं और 6 स्टिचेस लगे हैं। तो अभी वहाँ पे पट्टी वगैरह है तो उठने में बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, तो बेल्ट लगा के रखना पड़ रहा है। तो बस सुबह नहाए, मतलब वही लेट के नहलाया, फिर उसके बाद मानू ने बनाया था आलू का पराठा। तो नाश्ता करके मैं आप लोगों के साथ मतलब बात करने बैठी। तो कोरोना का टेस्ट तो इस वजह से ही हुआ था कि मतलब एडमिट होने के लिए टेस्ट होना बहुत मतलब ज़रूरी था, बिना टेस्ट के वो एडमिट नहीं कर रहे थे। तो वो तो नेगेटिव आ गया था, 1 घंटे में रिपोर्ट आ गया था। और फिर 7 तारीख को मैं संत परमानंद में एडमिट हुई। उसके बाद मेरा 7 तारीख को जब मैं एडमिट हुई थी MRI वगैरह हो गया था। 8 तारीख को फिर से मुझे कुछ टेस्ट वगैरह करना था, तो 9 तारीख को मेरा सर्जरी था। तो 9 तारीख को सर्जरी था तो मैं मतलब बोला था कि रात के 12 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है। तो नेक्स्ट डे तो मैं मतलब 9 तारीख को सुबह 1-2 बजे तक वेट करती रही, लेकिन सर्जरी नहीं हुआ। कि तब पता चला कि कोरोना का कोई और भी एक टेस्ट होते हैं जो वो उसके बिना कोई सर्जरी मतलब करेगा नहीं, मतलब उन जो सर्जरी करने वाले थे उन्होंने मना कर दिया। तो सर्जरी तो वो रिपोर्ट कल आएगा, तो कल होगा। तो वो ब्लड सैंपल लेके गया और दोबारा फिर से कोरोना का टेस्ट हुआ। इस बार स्टिक थोड़ा सा लंबा था नाक में और गले में मुँह में मतलब डाल के उन्होंने टेस्ट किया। तो उसका रिपोर्ट भी मतलब नॉर्मल नेगेटिव आया और फिर मेरे को 10 तारीख को सर्जरी था। 10 तारीख को सर्जरी था, फिर से टाइम दिया और उस दिन भी कुछ नहीं खाया था। 2 बजे तक हम वेट करते रहे, बाहर कुछ काम चल रहा है तो नहीं
नीचे हमारे पार्किंग में कुछ काम चल रहा है तो आवाज हो रहा है। तो जब हमारा 10 तारीख को फिर से सर्जरी का वेट करते रहे हम 2 बजे तक, उसके बाद डॉक्टर आए, फिर बोला कि अचानक से ऑक्सीजन खत्म हो गया और 2 बजे तक वो लोग वेट करते रहे कि अगर ऑक्सीजन आ जाते हैं तो फिर मेरा सर्जरी हो जाएगा। तो तब भी ऑक्सीजन नहीं आया तो उन्होंने फिर हमें बोला कि आप मतलब घर किसी मतलब और नर्सिंग होम में जा सकते हो। तो बस ये पता नहीं इतना दिन कैसे निकल गया ना, पता ही नहीं चल रहा है 15-16 दिन। और पहली बार नवरात्रि ऐसा हो रहा है कि मैं बिना फास्ट के हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे मेडिसिन चल रहा है तो मैंने फास्ट नहीं रखा इस बार। तो मैं सोचा था नवरात्रि में मैं मतलब जो जैसे भी मैं मतलब पूजा वगैरह करती हूँ, और ये होता है ना मेरा नवरात्रि में मतलब बिल्कुल पक्का होता है कि मैं 9 दिन साड़ी पहनती हूँ। सुबह उठ के बिल्कुल तैयार होती हूँ और बिल्कुल तांत की साड़ी, मैं कोशिश करती हूँ तांत की साड़ी पहनूँ। तो सोचा था ब्लॉग शेयर करूँगी, कुछ भी नहीं हुआ। और परसों से दुर्गा पूजा भी है, कुछ भी शॉपिंग वगैरह कुछ नहीं हुआ। शॉपिंग क्या करनी है, स्टिचेस काटेगा शायद शनिवार को, सैटरडे को बुलाया है तो पता नहीं, अब देखते हैं। लेकिन इस बार मैं तो नहीं जा पाऊँगी और मुझे छोड़ के तो बच्चे तो नहीं जाएंगे। तो मैं 40s के बारे में एक ब्लॉग बनाऊंगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा उसे। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा मुस्कुराते रहिएगा।